हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक क्या है? बुलेट मींस व्हाट? आपके दिमाग में आ रहा है दो चीज ही, बस आपके दिमाग में आ रहा है, एक वो बुलेट जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है और एक ये बुलेट जो आपको स्क्रीन में दिख रही है। लेकिन डरने की बात नहीं है, ये दोनों बुलेट्स हमें नहीं पढ़ना है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, किस बुलेट्स की बात कर रहे हैं, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, इस बुलेट्स की बात कर रहे हैं। इस बुलेट को अगर परफॉर्म करना, अगर इंसर्ट करना अपने वेब पेज में, कहाँ अपने वेब पेज में, तो उसके लिए क्या प्रोसेस हम लोग यूज करेंगे, क्या कोडिंग करेंगे, उन सारे रिलेटेड कोडिंग को आज हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग को सिंपली क्या पढ़ना है कि हम लोग अपने वेब पेज में बुलेट को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, उसके लिए क्या कोडिंग होगी, क्या क्राइटेरिया हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? बुलेट्स। ठीक है, बुलेट्स हम लोग एमएस वर्ड में देखे थे बुलेट्स का क्या यूज होता है और कैसे उसका यूज करते हैं, कैसे उसको अप्लाई करते हैं। लेकिन हम लोग जब एचटीएमएल में कोडिंग स्टार्ट करते हैं तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, सारे फीचर्स हमें खुद से ही इंप्लीमेंट करना पड़ता है, सारे फीचर्स को खुद को ही अप्लाई करना पड़ता है, उसके लिए हमको कोडिंग करना पड़ता है। तो हम लोग जब एमएस वर्ड में देखे थे तो बुलेट का ऑप्शन हमको दिया हुआ था, तो वहां जाके हम लोग चूज करते थे कौन सा बुलेट मुझे चाहिए, सर्कल चाहिए, स्क्वायर चाहिए, डिस्क चाहिए, तो उसको मैं क्या करता था, चूज कर लेता था, उसके बाद अप्लाई कर लेता था। लेकिन HTML में ऐसा नहीं होता है। आपको सर्कल चाहिए तो उसके लिए अलग कोडिंग करना पड़ेगा, स्क्वायर चाहिए तो उसके लिए भी अलग कोडिंग करना पड़ेगा, आपको डिस्क चाहिए उसके लिए अलग कोडिंग करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे चुनने का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। सपोज आप जब स्विगी से ऑर्डर करते हो, ठीक है, बहुत ही प्यारा है स्विगी, हमारे यहाँ भी एक स्विगी बॉय है, तो हाँ मैं उसका मेहनत देखता हूँ। ठीक है, सपोज आप जब एक कुछ डिनर मंगा लो, ठीक है, आप स्विगी से ऑर्डर करें तो आपको बहुत सारे लिस्ट दिए जाएंगे, आपको उसमें से जो पसंद है आप उसको चुन लीजिए। लेकिन जब आप खाना बनाते हो, जब खाना आप खुद से बनाते हो, तो आप क्या करते हो, अगर मुझे सर्कल बनाना, सर्कल में मान लेता हूँ चिकन, ठीक है, ये सर्कल क्या है, चिकन है, ये स्क्वायर में क्या मान लो सपोज एग, और ये डिस्क में क्या मान लेता हूँ, डिस्क को मैं क्या मान लो, डिस्क को हाँ सपोज कोई भी वेजिटेबल। ठीक है, अब जब मुझे चिकन बनाना हो तो मैं क्या करूंगा, चिकन लाऊंगा उसके ना उसको बनाऊंगा, कि मैं क्या करूंगा, सब्जी लेके आऊंगा, सब्जी डाल के चिकन बना दूंगा, नहीं ना। अगर मुझे चिकन बनाना तो मुझे चिकन मसाला डालना पड़ेगा, उसके हिसाब से उसका रेसिपी यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे वेजिटेबल बनाना तो मुझे वेजिटेबल डालना पड़ेगा, वेजिटेबल मसाला डालना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे अंडा बनाना, एक कड़ी बनाना, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अंडा लाना पड़ेगा, उसका एक कड़ी बनाने के लिए उसका एक कड़ी का अलग मसाला आता है, उसको यूज करना पड़ेगा। मतलब डिफरेंट डिफरेंट डिशेज बनाने के लिए मुझे डिफरेंट डिफरेंट मसाला का यूज करना पड़ा, डिफरेंट डिफरेंट स्पाइसेस का यूज करना पड़ रहा है। उसी तरह अगर जब हम लोग बुलेट का यूज करते हैं अपने HTML कोडिंग में, जब वेब पेज में इंसर्ट करने का काम करते हैं बुलेट को, तो जिस बुलेट को मुझे चाहिए, डिस्क स्क्वायर सर्कल, जो बुलेट मुझे चाहिए उस टाइप का मुझे कोडिंग करना पड़ेगा। अगर मुझे डिस्क चाहिए तो डिस्क के हिसाब से मुझे कोडिंग करना पड़ेगा, अगर मुझे स्क्वायर चाहिए तो उसके हिसाब से मुझे कोडिंग करना पड़ेगा। सेम टू सेम सिमिलरली सर्कल के भी केस में वही होता है कि मुझे सर्कल चाहिए तो उसके हिसाब से मुझे कोडिंग करना पड़ेगा। ओके, अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आया तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। बुलेट, बुलेट क्या बोलता है, इट इज यूज टू इंसर्ट द बुलेट, इसका यूज किया जाता है अपने वेब पेज में बुलेट को इंसर्ट करने के लिए। किसको इंसर्ट करने के लिए, बुलेट को, एंड इसी बुलेट को ही नहीं, नंबर्स को भी। किसको, नंबर्स को भी, नंबर के स्टाइल को। सपोज नंबर के स्टाइल क्या होते हैं, 1, 2, 3, रोमन में भी होता है 1, 2, 3, या फिर अल्फाबेटिक वे में भी होता है ABC। इस टाइप के नंबर के स्टाइल को अगर इंसर्ट करना है तो किसका यूज करते हैं, हम लोग बुलेट का यूज करते हैं। किसका, बुलेट का यूज करते हैं, बुलेट स्टाइल इन करंट वेब पेज, आपका जो करंट वेब पेज होगा उसमें इसका यूज करते हैं। बुलेट क्या होता है वो देख लीजिए हम लोग, अब उसके टाइप्स पढ़ते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बुलेट, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट, अनऑर्डर लिस्ट, और सेकेंड वन ऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट में क्या आता है, शेप्स आते हैं, डिस्क हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, ये सारे क्या है, शेप्स ऑफ बुलेट है, ये सारे शेप्स और सिंबल ऑफ बुलेट है। ठीक है, ये सारे सिंबल ऑफ बुलेट्स है। लेकिन जो ऑर्डर लिस्ट है, ऑर्डर लिस्ट में आपको क्या बताया मैंने, जैसे ABC 1, 2, 3 और रोमन में 1, 2, 3, ये सारे क्या है, ऑर्डर लिस्ट, मतलब ऑर्डर वे में इसको इंप्लीमेंट किया जाता है, ऑर्डर वे में इसको इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट का टाइप क्या है, स्मॉलर देन, यूएल और ग्रेटर देन से इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर ऑर्डर लिस्ट का मुझे टैग जानना है तो स्मॉलर देन, ओएल और ग्रेटर देन से इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या, बुलेट पढ़ लिए, बुलेट्स के दो टाइप पढ़ लिए। अब दो टाइप में क्या था, अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट।
अब अनऑर्डर लिस्ट के भी हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे, अनऑर्डर लिस्ट के कितने कितने टाइप्स होते हैं ये देखते हैं। क्या है टाइप्स ऑफ यूएल टैग, मतलब अनऑर्डर लिस्ट टैग। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट टैग में क्या क्या आते हैं, डिस्क आता है, इसका सिंबल आप देख सकते हैं। ठीक है, डिस्क आ गया, स्क्वायर आ गया और सर्कल आ गया। ठीक है, अगर मुझे अपने वेब पेज में बुलेट का यूज करना है, बुलेट में भी क्या अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर मीन्स व्हाट, डिस्क स्क्वायर सर्कल, इन तीनों में से किसी एक बुलेट का यूज करना है, किसी एक बुलेट का यूज करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अगर मुझे डिस्क का यूज करना है तो आइए मैं कोडिंग स्टार्ट करता हूँ। मतलब कि अनऑर्डर लिस्ट का मैं सिंटैक्स आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, तो सिंटैक्स क्या है, इस मॉडल इन से ओपन करेंगे। ठीक है, उसके बाद यूएल टैग कोड करेंगे, क्या कोड करेंगे, यूएल टैग। यूएल टैग हम लोग कोड करने के बाद उसका टाइप इंप्लीमेंट करेंगे। टाइप क्या होगा कि मुझे डिस्क चाहिए, मुझे डिस्क चाहिए, तो टाइप इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद मुझे क्या टाइप करना पड़ेगा, डिस्क टाइप करना पड़ेगा। अगर मुझे डिस्क चाहिए मुझे डिस्क टाइप करना पड़ेगा, अगर मुझे डिस्क नहीं चाहिए, अगर मुझे स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्मॉलर देन टैग ओपन करना पड़ेगा, यूएल टाइप करना पड़ेगा, और टाइप इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा, और स्क्वायर मुझे टाइप करना पड़ेगा, क्या टाइप करना पड़ेगा, स्क्वायर, और स्क्वायर टाइप करके डबल इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज करेंगे और ग्रेटर देन से क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो इतना कोडिंग करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एल आई, एल आई क्या करता है, एल आई समझिए। ठीक है, हम लोग क्या किए, यूएल टैग समझे, ठीक है, ओएल टैग समझे। अब हम लोग क्या किए, सपोज मान लीजिए ए डी सी ए प्लस, ठीक है, टैली एमएस ऑफिस। अब ये क्या हो रहा है, ये लिस्ट कौन क्रिएट कर रहा है, हम लोग सिंबल क्या किए, सिंबल क्रिएट किया यूएल टैग। ठीक है, सिंबल क्या कौन क्रिएट किया, यूएल टैग, लेकिन इस सिंबल को कंटिन्यू कौन कर रहा है, इस सिंबल को कंटिन्यू कौन कर रहा है, एल आई टैग। एल आई टैग क्या होता है, लिस्ट टैग। एल आई टैग क्या होता है, लिस्ट टैग, क्या होता है, लिस्ट टैग। एल आई टैग को क्या बोलते हैं, लिस्ट टैग कहते हैं। अगर इस सिंबल को रिपीट करना, जैसे मैंने एडीसी प्लस लिखा, इस बुलेट का यूज किया, ठीक है, डिस्क बुलेट का यूज किया मैंने और एडीसी प्लस लिखा, अब मुझे फिर से डिस्क बुलेट चाहिए और मुझे टैली पुट करना। ठीक है, मुझे फिर से डिस्क बुलेट चाहिए और मुझे टैली पुट करना, तो उसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा, एल आई टैग का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा, एल आई टैग। एल आई टैग क्या क्रिएट करेगा, लिस्ट क्रिएट करेगा, क्या, लिस्ट क्रिएट करेगा। ठीक है, उसी तरह सिमिलरली मैं फिर से एल आई टैग यूज करूंगा तो एमएस ऑफिस क्रिएट होगा। अगर नहीं समझ में आता कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिकल में हम लोग और अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये सारा वर्क क्या है, प्रैक्टिकली वर्क है। मैं कोडिंग आपको कितना भी बोर्ड में क्यों ना अच्छे से समझा दूं, लेकिन समझ तभी आए जब प्रैक्टिकल में आप कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ोगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक क्या समझे थे, डिस्क अगर मुझे इनपुट करना है बुलेट में तो डिस्क टाइप करेंगे या फिर स्क्वायर या फिर सर्कल, सर्कल दिस इज द सिंबल ऑफ सर्कल। ओके, उसके बाद डबल इनवर्टेड कॉमा से क्लोज कर देंगे, ग्रेटर देन से क्लोज कर देंगे। अब मुझे उसको रिपीट रिपीट करना है, उसको रिपीटेशन चाहिए, मतलब इस सिंबल का रिपीटेशन चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लिस्ट टैग को ओपन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, लिस्ट टैग को ओपन करना पड़ेगा। एल आई टैग पुट करेंगे तो उसको रिपीट करेगा, उस सिंबल को रिपीट करेगा, उस बुलेट को रिपीट करेगा। दूसरा टाइप आता है हमारे पास, टाइप्स ऑफ ओएल टैग, ओएल लिस्ट टैग का क्या टाइप्स है, या फिर उसका सिंटैक्स, उसका सिंटैक्स क्या है, ओएल टैग। ओएल टैग क्या होता है, ऑर्डर लिस्ट टैग होता है, ओएल टैग ऑर्डर लिस्ट टैग होता है, तो उसको कैसे यूज किया जाता है, ये स्मॉलर देन से ओपन करेंगे, ओएल ओएल टैग को ओपन करेंगे, उसके बाद ग्रेटर देन से क्लोज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद एल आई टैग ओपन करेंगे, एल आई टैग के बाद हम लोग टेक्स्ट लिखेंगे, जो भी हमको टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, सपोज एडीसी प्लस, एडीसी प्लस, फिर ओएल टैग को क्लोज कर देंगे, तो ओएल टैग को क्लोज करने के बाद हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 1 ADCA+। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट आएगा, हमारा आउटपुट क्या आएगा, हमारा आउटपुट ये निकलेगा, इस कोडिंग का यूज करके हमारा आउटपुट क्या निकलेगा, ये निकलेगा। अगर हम इस कोडिंग का यूज करेंगे तो क्या आउटपुट निकलेगा। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अनऑर्डर लिस्ट पढ़ रहे हैं, उसका क्या सिंटैक्स है वो देखें, ऑर्डर लिस्ट पढ़ रहे हैं, उसका क्या सिंटैक्स है वो देखें, उसका आउटपुट कैसे निकलता है वो देखें। अब ये तो था थ्योरी पार्ट, ये जितना भी हम लोग पढ़े ये कुछ सब कुछ था थ्योरी पार्ट। अब इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे और प्रैक्टिकल में एक बहुत प्यारा सा प्रोग्रामिंग बनाएंगे, बहुत प्यारा सा कोडिंग करेंगे, उसमें आपको बहुत बेहतर वे से समझ में आएगा कि कैसे इसका कोडिंग का यूज किया जाता है और कैसे कैसे इसको और अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आइए प्रैक्टिकल को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग को क्या पढ़ना था, ओएल टैग मतलब अनऑर्डर लिस्ट टैग और ऑर्डर लिस्ट टैग। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नोटपैड को ओपन करेंगे। नोटपैड को ओपन करने के लिए मैं कहाँ जाऊंगा, विंडोज की में क्लिक करूंगा, उसके बाद मुझे यहाँ नोटपैड का ऑप्शन दिख रहा है, मैं इसको सिंपली लेफ्ट क्लिक करूंगा। लेफ्ट क्लिक करते ही क्या होगा, हमारा नोटपैड ओपन हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट का
कोडिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, प्रोग्राम कैसे स्टार्ट होता है? HTML से प्रोग्राम स्टार्ट होता है। HTML के बाद क्या आता है? हेड टैग आता है। ठीक है, हेड टैग के बाद क्या आता है? टाइटल टैग। टाइटल टैग किसको रिप्रेजेंट करता है? वेबसाइट को, www.monu.com। ओके, ये हो गया वेबसाइट। उसके बाद टाइटल टैग को क्लोज कर देंगे। ठीक है, टाइटल टैग को क्लोज करने के बाद हम लोग हेड टैग को भी क्लोज कर देंगे। हेड टैग को भी हम लोग क्लोज कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग बॉडी कलर को ओपन करेंगे, मतलब बैकग्राउंड को कलर देने के लिए बॉडी टैग को ओपन करेंगे। बॉडी टैग ओपन हुआ, बीजी कलर, बैकग्राउंड कलर हमारा क्या रहेगा? इज इक्वल टू येल्लो, येल्लो हो गया। अब इसको भी क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? हेडिंग। हेडिंग के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? H1 टैग। कौन सा टैग यूज करते हैं? H1, सबसे बिगेस्ट फॉर्म ऑफ साइज टैग कौन यूज होता है? H1 टैग। मुझे अगर सबसे बड़ा साइज ऑफ फॉन्ट क्रिएट करना है तो उसके लिए मुझे कौन सा टैग यूज करना पड़ता है? H1 टैग। ओके, H1 टैग ओपन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? हेडिंग टाइप करेंगे। ओके, हेडिंग हमारा क्या है? कंप्यूटर वॉरियर्स, ये हमारा हेडिंग है। ठीक है, अब H1 टैग को ओपन किए तो H1 टैग को क्या करेंगे? क्लोज भी करेंगे। ठीक है, H1 टैग को क्लोज भी कर देंगे। अब कंप्यूटर वॉइस का क्या काम करता है? आप लोगों को कंप्यूटर पढ़ाने का काम करता है। कंप्यूटर में आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया जाता है, आइए वो कोडिंग स्टार्ट करेंगे। कंप्यूटर में हम लोग क्या पढ़ाते हैं? सबसे पहले उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? अनऑर्डरली स्टैक देखेंगे, तो सबसे पहले अनऑर्डरली स्टैक को ओपन करना पड़ेगा, UL टैग। और उसका टाइप क्या होगा? टाइप उसका क्या देना चाहते हैं? आई थिंक सर्कल। ठीक है, ठीक है, टाइप हम लोग उसका सर्कल दे दिए। सर्कल देने के बाद उसका लिस्ट में भी क्रिएट करना है ना, क्या करना है? वन बाय वन लिस्ट में क्रिएट करना है। उसके लिए कौन सा टैग देना पड़ेगा? LI टैग। अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग UL टैग दिए। ओके, और उसको लिस्ट में फॉर्म में क्रिएट करने के लिए हम लोग LI टैग को दिए। LI टैग देने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे? सिंपली नेम लिखेंगे। क्या क्या पढ़ाया जाता है आपको? एम एस ऑफिस आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, उसके बाद LI टैग देंगे। लिस्ट टैग एक और लिस्ट क्रिएट करेगा, सेकेंड लिस्ट। उसके बाद सेकेंड लिस्ट में हम लोग क्या देंगे? टैली, आपको टैली भी पढ़ाया जाता है। उसके बाद फिर से LI टैग देंगे जो उसका अलग लिस्ट बनाने का काम करेगा, मतलब वन बाय वन सिंबॉल बनाने का काम करेगा। तो ठीक है, हमारा पहला हो गया MS Office, सेकेंड हो गया टैली, और थर्ड हमारा हो जाएगा C++। क्या हो जाएगा? C++। अब इतना ही रखते हैं। ठीक है, अब UL टैग को क्लोज कर देंगे। UL टैग को क्लोज कर देंगे। UL टैग हमारा खत्म। अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है? ऑर्डर लिस्ट टैग। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट टैग क्या आता है? OL टैग। अब OL टैग में हमको क्या चाहिए? OL टैग में सिंपली हम लोग क्या करेंगे? OL टैग ऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर लिया। अब हमको क्या करना पड़ेगा? उसको वन बाय वन लिस्ट में क्रिएट अगर मुझे करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? लिस्ट टैग ओपन करना पड़ेगा। LI टैग मुझे ओपन करने पड़ेंगे। LI टैग में मैं क्या दूंगा? सपोज MS Office में मैं आपको क्या पढ़ाता हूँ? MS Word पढ़ाता हूँ। उसके बाद LI टैग देके दूसरा सिंबल क्रिएट करेंगे, मतलब क्या सेकेंड नंबर में क्या आएगा? MS Excel। ठीक है, MS Excel, फिर LI टैग देंगे। LI टैग क्या क्रिएट करेगा? थर्ड पॉइंट क्रिएट करेगा। थर्ड पॉइंट में क्या आएगा? MS Access। ठीक है, बस इतना ही बनाते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ओल्ड टैग को क्लोज कर देंगे। ओल्ड टैग को क्लोज करने के बाद हम लोग जब बॉडी टैग ओपन किए तो बॉडी टैग को भी क्लोज करेंगे और HTML को भी क्लोज करेंगे। अब HTML को क्लोज करने के बाद एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि सारा क्लोज हुआ कि नहीं। HTML ओपन किए हैं तो HTML क्लोज भी है। ठीक है, हेड ओपन किए तो हेड क्लोज भी है। टाइटल ओपन किए, टाइटल क्लोज है। बॉडी ओपन किए तो बॉडी भी यहाँ क्लोज है। ठीक है, H1 टैग ओपन किए तो H1 टैग यहाँ क्लोज है। UL टैग ओपन किए तो UL टैग सबसे लास्ट में क्लोज है। ओल्ड टैग ओपन किए तो ओल्ड टैग भी सबसे लास्ट में क्लोज है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे? कंट्रोल एस से सेव कर देंगे। सेव करने के बाद कुछ अच्छा सा नाम चुनते हैं, चुन्नू, चुन्नू डॉट HTML, HTML डॉट HTML देना ना भूले। ठीक है, उसके बाद इसको सेव कर देंगे डेस्कटॉप पे। कहाँ सेव करेंगे? डेस्कटॉप पे। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? डेस्कटॉप पे जाएंगे। ये हमारा स्पाइडरमैन आ गया, ये तो ठीक है। अब हम लोग डेस्कटॉप पे क्या चुन्नू नाम से हम लोग सेव किए हैं ना, क्या नाम से सेव किए हैं? चुन्नू। तो ये रहा हमारा चुन्नू। चुन्नू को डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। अब चुन्नू जब ओपन हो रहा था, ये देखते हैं क्या होता है। चुन्नू जब ओपन हुआ तो अपने साथ क्या लाया? हमारा वेबसाइट देखिए क्या था, www.monu.com।
और हम लोग हेडिंग क्या दिए थे एच1 टैग से, कंप्यूटर वॉरियर्स हम लोग क्या दिए थे, हेडिंग दिए थे। अब नेक्स्ट हम क्या किए थे, अनऑर्डर लिस्ट। ये सारा क्या है, अनऑर्डर लिस्ट के एग्जाम्पल है। हम लोग अनऑर्डर लिस्ट में क्या टाइप किए थे, अनऑर्डर लिस्ट में हम क्या दिए थे, टाइप, टाइप क्या था, सर्कल। तो इसका क्या रिजल्ट बन के आया है, इसका रिजल्ट भी सर्कल बन के आया है। अगर सर्कल की जगह में यहाँ डिस्क रखता तो डिस्क बन के आता, डिस्क की जगह में स्क्वायर पुट करता तो स्क्वायर बन के आता। ठीक है, ये तो था अनऑर्डर लिस्ट की बात। अब आती है ऑर्डर लिस्ट। क्या आती है, ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट देखिए कितना प्यारा सा सच के आया है, 1 2 3। सबसे वन नंबर में एम एस वर्ड, सेकेंड नंबर में एम एस एक्सेल, थर्ड नंबर में एम एस एक्सेस। तो इस टाइप से अगर आपको प्रोग्रामिंग करना है, इस टाइप से अगर आपको प्रोग्रामिंग करना है, तो जो कोडिंग मैंने बताया उसको सिंपली इंप्लीमेंट करिए और अपने प्रोग्रामिंग को अच्छे तरह से प्रोग्राम करिए। अगर इसमें कुछ और चेंजेस करना है तो आप मेरे पहले बेसिक वाला वीडियो सारा देख लीजिए और अपना दिमाग लगाए कि और इसको और कितना और ब्यूटीफुल कैसे बना सकते हैं, इसको और अगर ब्यूटीफुल मुझे बनाना है तो हम लोग कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।